अच्छा जी, सबसे इंग्लिश में भी हम सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिलेबस का, कि आपके सिलेबस में क्या कुछ कवर हो चुका है। जी, तो ये आपका सिलेबस है, इसमें पहले आ जाते हैं टॉपिक्स ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में भी आगे इसको पढ़ लेते हैं। यूनिट नंबर 2 है आपका ओरल प्रेजेंटेशन, फिर यूनिट नंबर 3 है वोकैबुलरी, यूनिट नंबर 4 है आपका ग्रामर, यूनिट नंबर 5 है रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड यूनिट नंबर 6 इज़ रिपोर्ट राइटिंग। यानी कि आपकी कोई रट्टे वाली इंग्लिश नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल है सब कुछ। और इंग्लिश आपके लिए रखी, आपकी डिग्री में रखी इसलिए गई है ताकि आप जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो सकें। सबसे पहले आ जाती है ओरल कम्युनिकेशन। इसके अंदर ये है कि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ऑरली आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकें, वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें हमने जो टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें था ग्रीट पीपल एंड स्टार्ट एंड फिनिश अ कन्वर्सेशन, कैसे आपने ग्रीट करना है, यानी ग्रीटिंग्स, सलाम, अगर आप मुस्लिम हैं तो सलाम कैसे करना है, या अगर आपका कोई और रिलीजन है तो उसमें आप कैसे ग्रीट करते हैं, और कोई भी आपने बात स्टार्ट करनी है, आप किसी से मिले हैं तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे और आप फिनिश कैसे करेंगे। फिर इंगेज इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि आपको कॉल पे अगर बात करनी है तो आप इंग्लिश में वो किस तरह से बात करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, फिर बात क्या करेंगे और फिर फिनिश कैसे करेंगे। फिर गिव कॉम्प्लीमेंट्स, यानी अगर कोई भी कहीं पे भी आपकी राय मांगी जाए या कोई कॉम्प्लीमेंट करना हो तो वो आपको करना आता हो इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आ जाता है एक्सटेंड कंग्रेजुलेशंस या सिंपैथी, यानी किसी को किसी अच्छी अचीवमेंट पे आपने कॉन्ग्रेचुलेट करना है तो वो भी आपको आना चाहिए। उसके अलावा कोई सिंपैथी है, यानी कि किसी के आपने किसी के साथ अफसोस करना है कुछ इस तरह से, तो वो भी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा एक्सप्रेस फीलिंग, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कैसे करनी है, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, अगर आपने किसी से कुछ पूछना है, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन लेनी है। ये आपको याद होगा कि हम क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं बिटवीन टू स्टूडेंट्स के, वो जैसे मैंने उनको बताया था कि आपने इस तरह से एक्ट करना है कि एक जो बच्चा है वो न्यू आया है यहाँ पे और एक जो है वो आपका सीनियर है, तो आपने उसे इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपकी क्लास कहाँ है किस तरह से, और जो नेक्स्ट बंदा है वो एक्सप्लेन कैसे करेगा उसके क्वेश्चन को, ये आपको आना चाहिए। इसका ये है कि आपको पेपर में मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप कोई भी वो दो बंदों को या दो बच्चों को, स्टूडेंट्स को खड़ा करके कह सकते हैं कि आप आपस में इस टॉपिक पर कन्वर्सेट करें, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सचेंज ओपिनियंस एंड आइडियाज़, अपना ओपिनियन दे सकें, आप अपने आइडियाज़ बता सकें किसी भी करंट सिचुएशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ सजेस्ट कर सकें, कुछ एडवाइस कर सकें, परसुएड होकर किसी को किसी बात पे मनाना या ठीक है और कायल करना या और इंसिस्ट कर सकें, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और ये सारे आपके टॉपिक्स हैं योर ओरल कम्युनिकेशन, इसके इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रैक्टिस से ही आपकी बनेगी। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ये है ओरल प्रेजेंटेशंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंटेशन लेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और ये प्रेजेंटेशंस आपकी छुट्टियों की वजह से और डिले हो गई, तो अभी ऑनलाइन भी नहीं हो सकती, तो जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपर तो ये प्रेजेंटेशन आपको साइन की जाएंगी हर ग्रुप को, और फिर आपने ये देनी है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ किस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। गुड प्रेजेंटेशन जो है उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। सिलेक्ट टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन, आपने इसमें कोई भी कॉमन इंटरेस्ट के, यानी जो अगर एक पूरा ग्रुप बैठा है कहीं पर सुनने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन, तो सबको जो इंटरेस्टिंग लगे आप ऐसा टॉपिक लेंगे और फिर शेयर करेंगे उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक। उसके बाद लर्न हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज अ गुड प्रेजेंटेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मोस्ट टू कन्वे आइडियाज़। अच्छा, ये आपने देखना कि आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। लाइक कुछ लोग होते हैं जो बोर्ड के ऊपर आप प्रेजेंट करते हैं अपने किसी भी टॉपिक को, कुछ हैं जो पीपीटीज की फॉर्म में करते हैं, तो किस तरह से डिफरेंट मोड्स हैं टू कन्वे योर आइडिया, ये भी आपको आने चाहिए। फिर हैंडल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द ऑडियंस, फिर ऑडियंस जो आपसे क्वेश्चन करेगी एंड पे वो आपने हैंडल करने हैं। आपकी अपने टॉपिक पे इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकें। फिर है इंगेज इन थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस, ठीक है। ऐसी डिस्कशंस में आपने इंगेज होना है जो थॉट प्रोवोकिंग हो, यानी कि सोचने पर मजबूर करती हूँ। रैप अप कन्विंसिंगली एंड री स्टेटिंग द की पॉइंट्स,
फिर आपने उसको अच्छे से रैपअप करना, यानी अपनी प्रेजेंटेशन एंड कैसे करनी है कन्विंसिंग, यानी जब आप अपनी प्रेजेंटेशन एंड करें तो ऑडियंस जो है वो आपसे कन्विंस हो चुके हैं कि आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है री स्टेटिंग द की पॉइंट्स, फिर आपने दोबारा से अपने की पॉइंट्स भी री स्टेट करने हैं कि ये आपकी प्रेजेंटेशन के की पॉइंट्स थे, उनको आप दोबारा से एंड पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है वोकेबुलरी, ये हमने स्टार्ट की हुई थी और इसमें है ये कि यूज़ द डिक्शनरी विद फैसिलिटी। अच्छा, आपको वोकेबुलरी इसलिए सिखाई जा रही है ताकि आप डिक्शनरी जो है वो इजीली यूज़ कर सकें, आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आनी चाहिए, इनहेंस द नॉलेज ऑफ रूट वर्ड्स, हम लोग अभी रूट वर्ड्स कर रहे थे और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लर्न सम ऑफ द कॉमन सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, यूज़ सम ऑफ द इडियोमेटिक फ्रेजेस यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एलिमेंट्स, अच्छा इडियोमेटिक फ्रेजेस भी हम पढ़ेंगे और इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, अच्छा ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और अभी हम जो पढ़ रहे थे वो थे रूट वर्ड्स। इसके अलावा ये आपकी ग्रामर भी है, ये साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अभी हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइव डे। ये हम ऊपर वाले सब पढ़ चुके हैं, अभी मेरे पास आपकी इंग्लिश की बुक नहीं है, ये दो तीन दिन तक आ जाएगी तो तब तक जो है अभी हम इसलिए थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा ये आपको बाय इमेज पढ़ना पड़ेगा। इसमें आता है कॉन्ट्रा तक हमने पढ़ लिया था, अगेंस्ट इसका मतलब होता है, अच्छा नेक्स्ट अब हम फाइव पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कॉर्प, कॉर्प का मतलब होता है फिजिकल बॉडी और कॉर्पोरल जो है इसका आगे आ गया सिनोनिम। कॉर्पोरल जो है वो ये है वर्ड जो इससे निकला है आगे यूज होता है। कॉर्प का मतलब क्या है, फिजिकल बॉडी यानी कोई भी बॉडी, ठीक है, और कॉर्पोरल उसके अलावा जैसे हम पढ़ते हैं कॉर्प्स भी हम लाश को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आ गया था क्राइन, क्राइन का मतलब है सिक्रीशन, जैसे आप पढ़ते हैं एंडोक्राइन, यानी एंडोक्राइन हम ग्लैंड पढ़ते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो ये जो ग्लैंड होते हैं ये सिक्रीशन कॉज करते हैं, तो कुछ सिक्रीट करते हैं, जैसे कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कुछ और सिक्रीट करते हैं, कुछ लोग कुछ जो है ग्लैंड वो बाइल एसिड सिक्रीट करते हैं, तो क्राइन का मतलब जो है वो है सिक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइट, साइट का मतलब जो है सी वाई टी ई, साइट जो है इसका मतलब है सेल, और जैसे हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी, यानी लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ साइटो यानी स्टडी ऑफ सेल। इसके अलावा है डेंट, डेंट का मतलब होता है टूथ, यानी दांत से रिलेटेड है ये, और इसको हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, यानी कि दांतों का डॉक्टर है सिंपली। फिर आ जाता है हमारे पास डर्म, डर्म जो है डर्मा, आपको पता है कि डर्माटोलॉजी जिसे कहते हैं ये स्किन का डॉक्टर, ठीक है, जिसके पास फीमेल्स बहुत ज़्यादा जाती हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, तो डर्म जो है वो स्किन से रिलेटेड है। एपिडर्मिस जो होता है ये ऊपर वाली स्किन होती है, ठीक है, ऊपर वाली लेयर होती है। तो ये पांच जो वर्ड्स हैं रूट वर्ड्स ये आप याद करेंगे, ठीक है, और ये आप अपने ऑन पे याद करेंगे, जो जितना अपने साथ सिंसेयर है उतना अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेगा एग्ज़ाम की। और ये सिर्फ फाइव तक ही नहीं रहेगा, अब आप घरों पे हैं छुट्टियाँ आपको, तो हम इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रूट वर्ड्स भी बढ़ाएंगे क्योंकि अब हमें सिलेबस थोड़ा सा स्पीड अप करके कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है अभी बस लेकिन एक दो दिन लगेंगे आपकी इंग्लिश में, क्योंकि आई डोंट हैव योर बुक, जिसको आने में दो तीन दिन लगेंगे, ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करें। फिर हम पैसेजेस वगैरह जो हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें एंड डू आस्क इफ़ एनी क्वेश्चंस यू हैव। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।